अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो डिसिप्लिन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं, वो है जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडीज में सबसे पहले आप इसको इंट्रोडक्शन लेंगे, व्हाट इज जेंडर स्टडीज। अब इस जेंडर स्टडीज में जो टर्म हमारे पास यूज हो रही है जेंडर, फर्स्टली यू हैव टू नो व्हाट इज जेंडर। अब जेंडर स्टडीज के लिए जो एक कॉमन कंसेप्ट है, जो एक मिसकंसेप्शन आती है हमेशा माइंड में और जो जनरली लोग समझते हैं, वो क्या है कि जेंडर स्टडीज एक्चुअली एक मींस फेमिनिस्ट अप्रोच है, फेमिनिज्म की स्टडी है। इस एक फेमिनाइन टर्म है जिसमें अब वुमेन एजुकेशन को डिस्कस करते हैं या वुमेन्स के कैरेक्टर्स को डिस्कस किया जाता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जेंडर स्टडीज में हम डिस्कस करते हैं स्टडी ऑफ मेल एंड फीमेल। इट इज एक्चुअली अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल एंड फीमेल। इसमें जेंडर में आप दोनों टर्म्स को यूज करते हैं, इधर मेल और फीमेल। आप इन दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ये जेंडर जो है जेंडर स्टडीज रेफर करता है। जेंडर स्टडीज एक्चुअली में एक सोशल टर्म है। अगर हम इसको डिफरेंटली एक्सप्लेन कर रहे हैं तो जेंडर हमारे पास एक सोशल टर्म है। ये सोशल टर्म जो कि रेफर करती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल, नॉट ओनली फीमेल, नॉट ओनली वुमेन, नॉट ओनली गर्ल्स और फेमिनाइन और फेमिनिस्टिक अप्रोचेस। जेंडर एक्चुअली डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल। इट इज अ सोशल टर्म, सोशल टर्म है जो हम यूज करें मेल एंड फीमेल के लिए जेंडर। जबकि अगर आप बायोलॉजिकल टर्म्स में यूज करें तो जेंडर के बजाय हम सेक्स का वर्ड यूज करते हैं, आइदर मेल और फीमेल, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी। लेकिन जेंडर में हम डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल। अब जेंडर स्टडीज को अब अगर हम देखें तो ये एक्चुअली में क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टेड बिहेवियर्स हैं इनके, मेल एंड फीमेल्स के, इनके दरमियान जो सोशल बैरियर्स हैं, जो सोशल इश्यूज आते हैं, सोशल इम्बेलेंस है, उन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं जेंडर स्टडीज में। और फिर इन जेंडर स्टडीज में हम ये सब चीज़ें देखते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी किस तरीके से आ रही है, स्ट्रेस किस जेंडर के ऊपर ज़्यादा आ रहा है या किसके ऊपर कम आ रहा है, फीमेल्स पार्टिसिपेशन वर्क में कैसी है या मेल पार्टिसिपेशन जो है वर्क में ज़्यादा है। इस किस्म के जो आपस में कंट्रेरी कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं दोनों जेंडर्स के, वो आते हैं जेंडर स्टडीज में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि जेंडर इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ फीमेल्स और वुमेन्स, इट्स एक्चुअली रेफरिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल। अगर हम यहाँ पर देखें जो टर्म यूज की गई है इस तरीके से जेंडर स्टडीज को हमने डिफाइन किया है, तो जेंडर स्टडीज इज एन इंट्रा डिसिप्लिनरी फील्ड दैट एक्सप्लोर्स द सोशल कल्चर एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज। ये एक इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड है हमारे पास, एक ऐसी फील्ड के जो कि मीन्स इंटर डिसिप्लिनरी मीन्स जिसके मुख्तलिफ शोबे निकल रहे हैं, ये डिफरेंट फील्ड के साथ कनेक्ट कर रही है, जैसे कि सोशली कल्चरली हिस्टोरिकली ये किस किस के साथ कनेक्ट कर रही है और इन सब के इम्पैक्ट्स जो है वो जेंडर के ऊपर कैसे पड़ रहे हैं, हमारी सोसाइटीज के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। इट एग्जामिन्स हाउ जेंडर आइडेंटिटीज रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस आर कंस्ट्रक्टेड एक्सपीरियंस्ड एंड चैलेंज्ड विद इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। जो डिफरेंट जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट की गई हैं, उन्हें क्या एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उन्हें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, इधर मेल और फीमेल। इन जेंडर वी आर स्टडीइंग, वी आर कैरेक्टराइजिंग बोथ मेल एंड फीमेल, और हम यहाँ पे इन दोनों के चैलेंजेस, दोनों की एक्सपेक्टेशंस, दोनों की जेंडर आइडेंटिटीज रोल्स को हम डिस्कस करेंगे इन जेंडर स्टडीज। Gender studies seeks to understand the complexities of gender inequality, power dynamics, and the intersections of gender with other social categories such as race, class, sexuality, and ability. जो बात मैंने अभी explain की वही यहाँ पे दी जा रही है कि gender studies में जो है actually में जो दोनों gender का जो आपस में comparison आ रहा है, दोनों के बीच में जो barrier आ रहा है, उनके दरमियान में जो discrimination आ रही है, ये inequalities, imbalances, behaviors, issues, जो सोशली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंट मैटर्स हैं रेस क्लास सेक्चुअलिटी एबिलिटी के, उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं जेंडर स्टडीज में। अब अगर जेंडर स्टडीज हमने कहा कि मेल्स एंड फीमेल्स की स्टडी है, तो जेंडर स्टडीज और वीमेन स्टडीज में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे यही मिसकंसेप्शन जो एक कॉमनली है उसको दूर किया जाएगा कि जेंडर स्टडीज
जो कॉमनली समझा जाता है जेंडर स्टडीज की स्टडी हो रही है, जेंडर स्टडीज का डिसिप्लिन कर रहे हैं तो आप मीन्स फीमेल्स को स्टडी कर रहे हैं या विमेन को स्टडी कर रहे हैं? नो, जेंडर स्टडीज और विमेन स्टडीज दोनों आपस में डिफरेंट हैं. जेंडर स्टडीज में आपने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स को किया मेल एंड फीमेल के, विमेन स्टडीज जो आपको रेफर करेगी विमेन स्टडीज पे. इनके अगर हम फोकस देखें और स्कोप देखें तो आपको इनके डिस्टिंक्शंस जो है वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी. फोकस कर रही है सबसे पहले हमारे पास जेंडर स्टडीज, ठीक है. जेंडर स्टडीज किस पे फोकस कर रही है? जेंडर स्टडीज एग्जामिन्स द कंसेप्ट ऑफ जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट दैट एनकंपासेस नॉट ओनली वुमेन बट आल्सो मेन एंड इंडिविजुअल्स हु आइडेंटिफाई बियॉन्ड द बाइनरी जेंडर कैटेगरीज. इट एनालाइजेस हाउ सोसाइटल norms, expectations and power relations influence gender identities, experiences and inequalities. जो चीज मैंने यहाँ भी आपको बिल्कुल अपने लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस की कि जेंडर स्टडीज बेसिकली जो जेंडर्स हैं हमारी सोसाइटी में, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर, ठीक है, इन सब को डिस्कस कर रहे हैं. इन सब की जो डिफिकल्टीज हैं एज ए इंडिविजुअल या इनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, इनके सोसाइटल नॉर्म्स हैं, सोसाइटी इन्हें किस तरीके से अफेक्ट कर रही है, हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं जेंडर स्टडीज में. जेंडर स्टडीज का मेन फोकस जो है वो क्या है कि जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं, पावर रिलेशंस हैं, उनको स्टडी करना, ठीक है. लेकिन अगर हम विमेन स्टडीज का फोकस देखें तो विमेन स्टडीज फोकस कहाँ कर रही है? प्राइमरली फोकसेस ऑन द एक्सपीरियंसेस, अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय स्पेसिफिकली वुमेन. यहाँ पे हम उन सब चैलेंजेस की बात कर रहे हैं जो तजुर्बात या जो अचीवमेंट्स हासिल हो रही हैं वुमेन्स को, या जो उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जो डिफरेंट हर्डल्स आ रहे हैं, जो बिहेवियर इश्यूज या सोसाइटल इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, किसको? वुमेन्स को. वुमेन्स को जो फेस करने पड़ रहे हैं या वुमेन्स का ये जो पूरी एक इस डिसिप्लिन में स्टडी कर रहे हैं वो हम करते हैं वुमेन स्टडीज में, नॉट इन जेंडर स्टडीज. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वुमेन इन वुमेन स्टडीज. वुमेन स्टडीज का फोकस जो है वो वुमेन पर है. वुमेन स्टडीज जो है वो इनिशियली इमर्ज कैसे हुई थी, अगर आप इसके हिस्टोरिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो ये जो एक वुमेन की तरफ निग्लेजेंस थी, एक जो इस तरह के पर्सपेक्टिव थे कि ट्रेडिशनली सोसाइटिकली एकेडमिकली वुमेन्स डिसिप्लिन को बड़ा एक पीछे रखा जाता था या उनको उस तरह की इक्वलिटी नहीं दी जाती, तो इन चीज़ों के रिजल्ट में जो वुमेन स्टडीज हैं, जो डिफरेंट आगे आप पढ़ेंगे सिनेरियोस डेवलप हुए, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो वुमेन स्टडीज है वो इनिशियली इमर्ज हुई. अब अगर हम स्कोप को डिस्कस करें तो जेंडर स्टडीज जो है वो एक ब्रॉडर अप्रोच है. इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? इनिशियली जो हमने बताया मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, ट्रांसजेंडर एक्सपीरियंसेस, ठीक है, एंड नॉन बाइनरी जेंडर आइडेंटिटी. इन्वेस्टिगेट्स द सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ जेंडर, इज मीनिंग हाउ जेंडर इंटरसेक्ट्स विद रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी एंड अदर सोशल कैटेगरीज. इसमें इन तीनों जेंडर्स को, मीन मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी और ट्रांसजेंडर, इन सब को जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, जो सोसाइटल तौर पर सेक्सुअलिटी, रेसेस, क्लासेस, डिफरेंट सिनेरियोज को देखते हुए सोशल कैटेगरीज में जो कुछ इन्हें फेस करना पड़ रहा है, उन वो सब के सब जो है इसके जेंडर स्टडीज के दायरे में आते हैं, इन तीनों जेंडर्स के. जबकि विमेन स्टडीज में क्या होता है? ट्रेडिशनली फोकस ऑन एक्सपीरियंसेस, राइट्स एंड सोशल कंडीशंस ऑफ वुमेन. ये कहाँ फोकस करती है? इसका स्कोप जो है, जो इसका दायरा कार है, वो वुमेन्स पर बेस करता है. इसमें डिफरेंट जो वुमेन फेमिनिस्ट थ्योरीज आई हैं, एक्टिविज्म है, डिफरेंट डिफरेंट जो औरत के हकूक हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ विमेन स्टडीज में डिस्कस करते हैं. अब अगर हम देखें तो जो हमारे पास जेंडर स्टडीज और विमेन स्टडीज हैं, ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है. एक इस तरह का आप कह लें कि डिफरेंट इसमें कैटेगरीज को आप स्टडी कर देते हैं. जैसे कि जेंडर स्टडीज में आप जो है डिफरेंट डिसिप्लिन को स्टडी करते हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी डिस्कस हो जाता है इसमें, सोशल बिहेवियर, सोशल नॉर्म्स डिस्कस हो जाते हैं, एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस करते हैं आप इसमें, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, कल्चरल स्टडीज, लिटरेचर एंड मोर. ये सब के सब जिस तरीके से जेंडर को अफेक्ट कर रहे हैं या जेंडर इनको अफेक्ट कर रहा है, इन रिलेशन को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं. इन तमाम फील्ड्स में बहुत एक वाइड रेंज आ जाती है इन तमाम फील्ड्स की. जबकि विमेन स्टडीज में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? विमेन स्टडीज का भी जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है. इसमें
जो सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज के साथ जो और डिफरेंट फेमिनिस्ट और मेथोडोलॉजीज, फेमिनिस्ट थ्योरीज, मेथोडोलॉजीज के साथ जो वीमेंस का कनेक्शन है उनको हम स्टडी करते हैं. सॉरी. अब जो इवॉल्विंग पर्सपेक्टिव्स हैं इन स्टडीज के, अगर हम देखें जेंडर स्टडीज और वुमेन स्टडीज के, मीन्स के ये किस तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं, ये इसमें किस तरीके से तरक्की आ रही है, तो जेंडर स्टडीज को अगर हम देखें तो ये एक इस तरह की स्टडी है कि आप इनकॉर्पोरेट मोर इंक्लूसिव एंड इंटरसेक्शनल पर्सपेक्टिव्स. इसमें जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ ये इंटरलिंक कर रही है. ठीक है, इंटरकनेक्टेड इन नेचर है. इंटरकनेक्टेड किस तरीके से है, ये दूसरी सोशल आइडेंटिटीज के साथ, कि इसमें जो जेंडर है वो आइसोलेटेड नहीं है, इसमें जेंडर आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट फील्ड्स के साथ, ये डिफरेंट इकोनॉमिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल फैक्टर से जो है वो अफेक्ट हो रहा है. कोई भी मेल है या फीमेल है या कोई ट्रांसजेंडर है, जो सोशल नॉर्म्स हो रहे हैं, डिफरेंट ये पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, वो उसको अफेक्ट कर रहे हैं. तो इस तरीके से जो जेंडर है वो इंटरकनेक्टेड नेचर है जेंडर की, जेंडर स्टडीज के साथ. अब इसकी जो आइडेंटिटीज हैं वो डिफरेंट तरीके से अफेक्ट हो रही हैं, जैसे कि मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस है हर पर्सन के, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, इनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, आइदर रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी, रेस, क्लास, डिसेबिलिटी, पैट्रियार्की, कैपिटलिज्म, डिफरेंट जिससे रिलेटेड इनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं, और ये सब जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं आपस में जेंडर स्टडीज के साथ. और अगर हम वुमेन स्टडीज के इवॉल्विंग पर्सपेक्टिव देखें तो वुमेन स्टडीज जो है वो एक मतलब काफ़ी ज़्यादा इसको एक इम्पोर्टेंस मिलनी स्टार्ट हो गई है. अगर हम अब से कुछ साल पहले देखें तो औरतों के, खवातीन के जो है वो हकूक इतने ज़्यादा जो है वो नहीं माने जाते थे, लेकिन अब वुमेन्स जो है वो काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है. और हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो वुमेन्स के एक्सपीरियंसिस और फेमिनिस्ट एक्टिविटिज़म इतना ज़्यादा नहीं था एज कम्पेयर टू टिल डेट. ठीक है, इस अब आज की तारीख में देखें तो बहुत ज़्यादा इसमें इवॉल्वमेंट जो है वो हो चुकी है. वुमेन स्टडीज़ के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर हो चुके हैं. डिफरेंट मौजूदा अगर आप दौर में देखें तो एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री, वुमेन स्टडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है. ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास जो पॉइंट नोट करने के लिए, वो क्या है कि जो जेंडर स्टडीज और वुमेन स्टडीज के दरमियान में जो डिस्टिंक्शन है वो डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू देयर रीजन्स और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती है. अगर आप सोसाइटी देखें, हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी देखें, या अगर आप जो है वो मगरबी माशरा देखें, तो काफ़ी डिफरेंसेज हैं. लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो अकर भी करता है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस और रीजन्स के अकॉर्डिंग जो इनकी डिस्टिंक्शन है वो उसके अकॉर्डिंग भी डिफेंड करती है. दोनों फील्ड्स हैं वो जेंडर डायनेमिक्स को और इन इक्वालिटी को जो जेंडर जस्टिस और इक्वालिटी है उसके साथ इंटर रिलेट कर रही हैं. दोनों बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही हैं. तो इस चीज़ को अगर देखा जाए और ये मज़ीद आगे इवॉल्व भी होंगी. तो आज का लेसन हमारे यहीं तक होगा, जिसमें हमने सबसे पहले जो है वो जेंडर के बारे में डिस्कस किया कि जेंडर हमारे पास क्या है. जेंडर जो है वो एक्चुअली में नॉट ओनली वुमेन स्टडीज, नॉट ओनली अबाउट फेमिनिस्ट, नॉट ओनली अबाउट फेमिनिज्म और वुमेन एजुकेशन, इट इज इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर. ठीक है, इसमें हमने जस्ट फीमेल्स को डिस्कस नहीं करना है. जेंडर स्टडीज में हमारे पास तमाम जो हमारे पास जेंडर्स हैं वो आ जाएंगे. और सेकंड पॉइंट हमने क्या नोट किया कि जेंडर जो है वो एक सोशियोलॉजिकल टर्म है, नॉट अ बायोलॉजिकल टर्म. बायोलॉजिकली अगर हम डिफाइन कर रहे हैं जेंडर को, कहा जाए कि आप बायोलॉजिकली एक्सप्लेन करें, तो आप वहाँ पे सेक्स का वर्ड यूज करोगे. सेक्स मीन मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, आइदर मेल और मेल और फीमेल, बॉय और गर्ल. ठीक है, लेकिन जब जेंडर की हम बात कर रहे हैं तो जेंडर मीन्स इट्स अ सोशियोलॉजिकल टर्म. मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, डिफरेंट जेंडर्स हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं. ठीक है, और
स्टडीज हम कर रहे हैं तो मीन्स इनके आप जो सोशली कंस्ट्रक्टेड बिहेवियर्स आ रहे हैं, सोशल बैरियर्स हैं, इनके जो सोशल इश्यूज हैं, सोशल बिहेवियर्स हैं, इम्बेलेंस आ रहा है और डिफरेंट चीजें जो इन्हें अफेक्ट कर रही हैं, वर्किंग स्टाइल्स, उनके इक्वल राइट्स, फीमेल्स की पार्टिसिपेशन इन वर्क या वुमेन्स जो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, डिफरेंट स्ट्रेस वर्कलोड, इन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो आ रहा है हमारे पास जेंडर स्टडीज में। लेकिन अगर आप विमेन स्टडीज की बात करें, अगर इन दोनों कंट्रास्ट करें तो विमेन स्टडीज में आप टोटली रिलेट करोगे विमेन्स को, ठीक है। और आज का टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट में जो है हम इंशाल्लाह मजीद इस अपने टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच।